तक में आप सभी का स्वागत है। 19 अप्रैल 2021 को एनजीओ नवोदय फाउंडेशन द्वारा खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के में कोविड-19 टीकाकरण अभियान आयोजित किया गया। दक्षिण अंडमान के डिप्टी कमिश्नर श्री सुनील अंचिपाका ने एनजीओ को आम जनता तक पहुंचाने और कोविड टीकाकरण के बारे में जागरूक पैदा करने की पहल की। खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर एस के जगपाल टीकाकरण कैंप के लिए स्कूल परिसर प्रदान किया। खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कैंप में सभी क्षेत्रों के लोगों का टीकाकरण हुआ। सभी कोविड प्रोटोकॉल के बाद उचित व्यवस्था के कारण टीकाकरण जनता के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ दोनों के लिए एक सुचारू कार्य था, जहां 45 आयु से ऊपर के 133 नागरिकों को कोविड-19 टीकाकरण प्रदान किया गया। उन सभी लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई, जिन्हें IMFC और देसी लाउंज के सहयोग से केंद्र तक मुफ्त परिवहन प्रदान करते हैं और आम जनता के बीच टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक अभियान भी चलाते हैं। DC श्री सुनील अंचिपाका और SDM दक्षिण अंडमान श्री हरि कालीगट ने कैंप का दौरा किया और इस पहल के लिए नवोदय और खालसा पब्लिक स्कूल के प्रति आभार व्यक्त किया और टीम नवोदय को समाज के प्रति उनके प्रयास और समर्पण के लिए बधाई दी और वहां के लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम के समापन होने के बाद नवोदय फाउंडेशन द्वारा विद्यालय को सैनिटाइज किया गया। रेस्पेक्टेड स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स, नवोदय फाउंडेशन एनजीओ डायरेक्टर, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोग जानते हैं अभी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन 45 ईयर्स एंड प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन पूरा अंडमान पिशु को कर दिया। इसी के लिए हमारा जितना सेंटर्स है ज़्यादा सेंटर बढ़ा रहे, सो दैट 45 ईयर्स प्लस एक बंदा भी नहीं छोड़ना है। दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन कमिटमेंट एंड बेस ऑन दैट ऑल वी हैव बीन कोलाबरेटिंग विद वेरियस NGOs एंड वी आर रीचिंग आउट फार फ्लंग एरियाज ऑल्सो। मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों के क्या है, जितना 45 प्लस ईयर्स लोगों को मोबिलाइज कर लीजिए एंड वैक्सीनेशन नियरेस्ट एनी BCC जहाँ मतलब वैक्सीनेशन सेंटर हो रहा है पूरा लोगों का लेकर के आप लोगों वैक्सीनेट करा दिए। आपका और बाकी लोगों को भी बचाने के लिए दिस इज अ वेरी गुड वेपन। सो इसी का आप लोग जानते हैं अभी नंबर ऑफ केसेस हैव बीन इंक्रीजिंग अक्रॉस द इंडिया। सो इसी के लिए हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे हमारा ऑनरेबल PM ने बताया, ट्रेसिंग करना है, ट्रीटमेंट भी करना है, टेस्टिंग भी करना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मास्क पहनना है और वैक्सीनेशन करना है। ये 5 पॉइंट्स हैं मतलब ऑनरेबल PM ने अगेन एंड अगेन इंसिस्टिंग। सो आपका पूरा लोगों का मैं एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ, जितना 45 ईयर्स प्लस लोगों में उन लोगों को लेकर जाइए, आपका आपका परिवार का और पूरा सोसाइटी का बचाने के लिए बहुत मौका है। थैंक यू ऑनरेबल, थैंक्स अगेन। क्योंकि ये स्कूल भी इसीलिए बना था क्योंकि हम नीडी लोगों के लिए सर सोचते थे, सो इट इज अ वेरी गुड लर्निंग प्लेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आल्सो। एंड देन प्रतिमा बैनर्जी मैम से आप मिल ही चुके हैं एंड जो नवोदय फाउंडेशन की डायरेक्टर भी हैं, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम इनके साथ शेयर करी थी। मैं जब खुद किसी तकलीफ से गुजरती हूँ तो मुझे लगता है कि दूसरा कोई उस तकलीफ से ना गुजरे, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँ। तो सर ये ज़्यादातर वो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन बच्चों के जो मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कल मैंने 9 से 12 बजे तक जब तक मेरा वाईफाई ऑन था मैंने नेट कनेक्टिविटी से मैक्सिमम लोगों को पहुँचने की कोशिश करी है। नवोदय को एक दिन पहले कैंप आयोजित करने का काम सौंपा गया था और उन्होंने अकेले बिना किसी PRI मेंबर, पॉलिटिकल पार्टी ना किसी NGO की मदद लिए बिना स्कूल के सहयोग से कैंप आयोजित किया गया।
एक छोटे नोटिस के भीतर उन्होंने टीकाकरण कैंप आयोजित करने में कामयाबी हासिल की और जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।